तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी की दुनिया विद केके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद बहुत सारी फर्जी ऐप। दोस्तों आए दिन आपने खबरों में सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे मैसेज और न्यूज़ पड़ी होंगी जहाँ पर बताया जाता है कि आज इतने ऐप्स प्ले स्टोर से हटा लिए गए और इतने ऐप फर्जी निकले, इतने ऐप इस तरह की दिक्कत कर रहे थे। इन सारी न्यूज़ के साथ में कई बार आप लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता होगा कि आखिर किस तरह के ऐप जो फर्जी होते हैं और किस तरह के ऐप अच्छे होते हैं, किस तरह के ऐप आपको डाउनलोड करने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे बड़ा खतरा ये है कि आजकल साइबर अटैक बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, यानी कि साइबर फ्रॉड बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतें तो आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। तो दोस्तों खास करके बात ये है कि बहुत सारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर ऐसी पहले थी जिन्हें काफ़ी सारा रिसर्चरों की मदद से इसे हटा लिया गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक एहतियात बरतनी चाहिए कि आप सही ऐप को इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे पहला नुकसान क्या कर सकती है ये जो फर्जी ऐप होती है। वो ऐप आपके फ़ोन के अंदर मौजूद डाटा है उसको एक्सेस करके आपके बैंक खातों को खाली कर सकती है। सबसे बड़ी समस्या यही है। इसके बाद आपका कोई निजी डॉक्यूमेंट है, आपकी निजी कुछ फाइलें हो सकती है, उन फाइलों को भी कोई दूसरे ऐप की मदद से या ऐसी फर्जी ऐप की मदद से कोई भी व्यक्ति आपकी फाइलों को ले सकता है। तो दोस्तों इस चीज़ से बचने के लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, सबसे पहले मैं बात करूंगा। ऐसे तो गूगल प्ले स्टोर यानी गूगल कंपनी का ही प्ले स्टोर है, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कड़ी सुरक्षा के साथ में जितने भी ऐप आपको अवेलेबल है वो मिलते हैं। फिर भी कई सारे ऐप डेवलपर ऐसे होते हैं जो उन सुरक्षा नियमों को कच्चा देकर किसी भी तरह से वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं, और अगर उनके दिमाग में इस तरह की खुरापात हो कि हम इस तरह से इस चीज़ को फ्रॉड को अंजाम दें तो वो इस तरह के ऐप डेवलप करके आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी तरह की जो ऐप है वो इस तरह के प्रॉब्लम कर सकती है, लेकिन कुछ ऐप आपको ये नुकसान पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं असली और नकली में फ़र्क क्या होगा। सबसे पहले अगर देखें तो हैकर्स जो डाटा का चुराते हैं वो ऐप के माध्यम से, परमिशन जब आप देते हो किसी भी ऐप को तो वहाँ पर आपको जितनी ज़रूरत है उतनी ही परमिशन दीजिए। अगर आप परमिशन आप नहीं देना चाह रहे फिर भी ऐप में आके आप नहीं बढ़ पा रहे तो ऐसी ऐप का इस्तेमाल आप कतई न करें, क्योंकि आपके निजी कॉन्टैक्ट्स, आपके निजी डाटा और आपकी लोकेशन के साथ में कई सारी प्राइवेसी आपको शेयर करनी होती है जब आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं या यूज़ करना चाहते हैं। कई बार आपको न्यूज़ पर ऐसी रिपोर्ट्स मिलती हैं जहां पर इन ऐपों के बारे में उनके नामों के साथ में लिस्ट दी जाती है, ये ऐप इस तरह की प्रॉब्लम कर सकते हैं। उन ऐप्स को आप बिल्कुल भी अपने स्मार्टफोन में न रखें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर पहचान के तौर पर अगर पहचान करना चाहे तो बहुत सारी जो पॉपुलर ऐप्स है वहाँ पर आप लोगों को उनका जो आइकन है वो बिल्कुल भी सेम टू सेम दिखेगा, जबकि ऐसी ऐप्स आपको जो फर्जी है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अगर फिर भी अगर सेम टू सेम आइकन आपको दिख रहा है तो आप इस ऐप के अंदर उस कंपनी का नाम चेक करें जहां पर नीचे की तरफ आपको लिखा हुआ मिलेगा, उस कंपनी के ऐप के कंपनी के नाम के आधार पर ही आप उसे पहचान सकते हैं कि ये वाकई ओरिजिनल ऐप है या फर्जी ऐप है। कई बार ऐसे ऐप डेवलपर है जो अपनी कंपनी का नाम भी लगभग सेम टू सेम रख देते हैं, उसमें आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं आप किसी पॉपुलर ऐप या पॉपुलर किसी भी गेम्स को डाउनलोड कर रहे हैं उसके अंदर आपको फर्जी तरीके के कंपनी के नाम मिलेंगे जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है या किसी अन्य तरीके से आपको जो ध्यान नहीं देते हैं उस तरह के जालसाज में फंसाया जा सकता है। इसके साथ ही आपको यूज़र रिव्यू भी पढ़ने चाहिए और कितने यूज़र रिव्यू आपको पॉजिटिव मिलते हैं उस ऐप के। यूज़र रिव्यू अगर आप पढ़ते हैं तो उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह की ऐप है, किस तरह के यहाँ पर आपको फीचर मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ अगर किसी के साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है तो भी वो वहाँ पर मेंशन मिलेगा।
इसके साथ ही बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को किसी भी ऐप को डाउनलोड कितनी बार किया गया है, ये बात भी एक मायने रखती है कि इस ऐप में किस तरह की प्रॉब्लम हुई है या नहीं हुई। कई सारी ऐप होती है जो ऐप करोड़ों में डाउनलोड होती है, यानी कि मिलियंस में होती है, वहाँ पर आपको संशय थोड़ा कम होगा, लेकिन कुछ कम डाउनलोड्स के साथ में सर्च रिजल्ट में टॉप पर आपको दिखने वाली ऐप में आपको थोड़ा सा धोखा हो सकता है। अगर आपको कोई ऐसी फर्जी ऐप दिखती है और आप चाहते हैं कि मैं इसे रिपोर्ट करना चाहता हूं, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है प्ले स्टोर के ऊपर की साइड में। जब भी आप ऐप को खोलते हैं वहां पर आपको थ्री डॉट्स दिखेंगे, जहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फ्लैग एज ए इन एप्रोप्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां से आप इसे फ्लैग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मोटी मोटी जानकारी जो आप लोगों को देनी जरूरी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इस तरह की फ्रॉड होने से बचा लीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ आप ही लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ। मिलते हैं दोस्तों नए ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।